दोस्तों, बॉलीवुड में अभिनेता और अभिनेत्रियों को हर किरदार के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। हर किरदार को इस बखूबी से निभाना पड़ता है कि देखने वाले दर्शकों को उनमें किरदार नहीं, किरदार में वह नजर आए। और इसी के चलते बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों को कई ऐसे किरदारों को निभाना पड़ जाता है जो थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज प्रचलन में वेब सीरीज में किस प्रकार गालियों का प्रयोग किया जाता है। लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जी हाँ दोस्तों, हर प्रोफेशन अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आता है और इसी तरह अभिनेता और अभिनेत्रियों के लिए किरदारों में ढलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सोचिए उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्हें गाली देकर किसी किरदार को निभाना हो। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही अभिनेत्रियों की ऐसी जुबान लेकर आए हैं जिनमें ऑन स्क्रीन वह गाली देती हुई नजर आई। दोस्तों, पहली है जरीन खान। जी हाँ, जरीन खान जहाँ अपनी खूबसूरत अदाओं के लिए बॉलीवुड में काफ़ी फेमस एक्ट्रेस मानी जाती है, एक इंटरव्यू के दौरान अपने मुंह से कुछ इस प्रकार के अपशब्द उन्होंने निकाल दिए थे। हाँ, तो इसीलिए तो जूते दोस्तों, दूसरी एक्ट्रेस आती है करण कौर ढिल्लों। दोस्तों, करण कौर बॉलीवुड एक्टर और बॉलीवुड रैपर के रूप में जानी जाती हैं और यह कई बार नशे की हालत में कई ऐसी हरकतें कर चुकी हैं जिनकी वजह से मीडिया को भी शर्मिंदा होना पड़ जाता है। नशे की हालत में कुछ यूं कह गई थी करण कौर। मेरी गन नहीं, तेरी गन। आया मेरी बम। मेरी गन नहीं, तेरी गन। आया मेरी बम। दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है रवीना टंडन। रवीना टंडन जो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस हैं, एक स्टेज शो के दौरान रवीना इतनी ज़्यादा भड़क गई थी कि उन्होंने इस तरह अपनी जुबान से निकाल दिया था ये अपशब्द। प्रेस करके सबकी मामलें करते हैं लोग, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। प्रेस करके सबकी मामलें करते हैं लोग, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। दोस्तों, आपको किस एक्ट्रेस के मुंह से गाली सुनकर सबसे ज्यादा बुरा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और यूं ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। अबे गांड ना फुला, मार चोट देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। पैसा बताओ कितना हुआ।